तो फर्स्ट फेज का आज आखिरी डे है और 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं और सेकंड शिफ्ट के लिए भी एंट्री स्टार्ट हो गई। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं, कैसा हुआ एग्ज़ाम भाई? बढ़िया हो गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैं 152-53। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? मैं फिलहाल 4-5 महीने पिछले। 5 महीने। अच्छा, मैथ का पोर्शन कैसा आ रहा है? मैथ का अच्छा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी तकड़ी है। क्वेश्चन लगभग सभी चैप्टर से मिलता है। रीजनिंग का लेवल कैसा लगा? हल्का ही है रीजनिंग लेवल। रीजनिंग का हल्का है। अच्छा, और हिंदी में क्या रहा? हिंदी में कोई खास नहीं है। नहीं, कोई पुरस्कार का कुछ नहीं। बस रचना आ रही है। पुरस्कार पर्यायवाची का कोई एक क्वेश्चन था। हाँ, ये आ रही है। महावरे मुहावरा, हाँ एक क्वेश्चन था उसका। संधि विच्छेद वगैरह? नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं। अलंकार में से कुछ आ रहा? हाँ, इनमें से आ रहे हैं। जीके का लेवल कैसा है? जीके का लेवल बहुत टफ टफ है। जीके में से कुछ आया? हाँ, एक आध क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर्स में से? करंट अफेयर में से कोई? कंप्यूटर में से आ रहा? हाँ, कोई एक आध क्वेश्चन। नहीं, कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन नहीं। मुख्यालय वगैरह में से? हाँ, मुख्यालय। राजधानी में से आ रहा कुछ? नहीं, राजधानी का साइंस में कुछ आया पोर्शन में? हाँ, दो क्वेश्चन थे। ओवरऑल आपके थोड़े एग्जाम का लेवल कैसा है? काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा, चलिए बेस्ट ऑफ लक। कैसा हुआ भैया एग्जाम? बढ़िया हुआ भाई। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 160 पूरे लगा दिए? नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जब। अच्छा अच्छा, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो? मैं 5-6 महीने। आपके अकॉर्डिंग चारों पोर्शन में से कौन सा टफ था, कौन सा ईजी था? जीके का टफ था। जीके टफ था। हाँ, मैथ्स आसान था, रीजनिंग आसान थी, हिंदी बहुत आसान थी। हिंदी बहुत। हिंदी में क्या क्या आया कुछ बताओ? हिंदी में समास था किसी फोर्थ में? हाँ, हिंदी में तो मतलब रचना भी आसानी थी, समास का अर्थ था जैसे नीलकंठ है, और आपका विलोम शब्द आ रहा था विधि का, और मतलब बहुत आसान आसान थे। हाँ, कवि की रचना ही थी वैसे, कोई मतलब पुरस्कार वगैरह नहीं पूछ रखा था। जीके में पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आए? पॉलिटी के तो कम ही थे वैसे, बोल रहे थे कि ज़्यादा कम थे, ज़्यादा नहीं थे। कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हो गया जी। पेपर अच्छा हो। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट सारे करे जी। सारे 160। हाँ, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो? साल भर थे जी। एक साल हो गया। हाँ जी। कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा, कौन सा इजी लगा? नॉर्मली था जी वैसे तो पेपर, पढ़ने वाले के लिए आसान है। मैथ में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं? ये परसेंटेज और हाँ जी टाइम एंड वर्क भी आ रहा है, एवरेज में तो भी है, उसमें तो नहीं आ रहा। एडवांस में कुछ? हाँ जी। ज्योमेट्री आ रहा है? हाँ जी, दो क्वेश्चन थे इसके। गोले का क्षेत्रफल आया? हाँ। रीजनिंग का लेवल कैसा लगा आपको? सही है, मीडियम है, इजी कह सकते हो उसे। इजी है। और यूपी जीके में से आ रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं था। करंट अफेयर्स में से? एक दो क्वेश्चन थे सर। कंप्यूटर में आ रहा है कुछ? कंप्यूटर से दो क्वेश्चन। याद है कंप्यूटर का क्वेश्चन? नहीं याद नहीं। ओलंपिक में आ रहा है कुछ? कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं आया। साइंस का पोर्शन आ रहा है? हाँ, साइंस के थे। कौन सा आ रहा है? बायोलॉजी आ रहा है? कौन सा? बायोलॉजी का था, एक विज्ञान का था, साइंस का। अच्छा, और हिंदी में क्या क्या आ रहा है? किसी कवि के ऊपर कोई क्वेश्चन आया? कोई नहीं है कभी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैं तो पूरे करे हैं। पूरे 160। क्या लेवल कैसा लगा आपको? सीरियल लेवल था। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? EG2। मैं तो कल लगभग हो गया 2 साल के आसपास। 2 साल। अच्छा, इसमें जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है मैथ में भी आए थे क्या कुछ? रीजनिंग के क्वेश्चन? रीजनिंग क्वेश्चन थे, रीजनिंग में उसके थे वो GS के 3-4 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में GS आ रही है? हाँ। अच्छा, रीजनिंग में आकृति कैसी आ रही है, सिंपल है या थोड़ा टाइम दे रही है? सिंपल सिंपल है। सिंपल कथन निष्कर्ष के कितने आ रहे हैं रीजनिंग में? तीन क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन भी आ रहा है? दो क्वेश्चन मानिए, दो तीन क्वेश्चन। A+B वाले आते हैं वो, इसका इससे संबंधित है, उससे एक था, दो क्वेश्चन थे उससे, और दो क्वेश्चन उससे थे जो डायरेक्ट पूछते हैं उस महिला ने उससे ऐसे कहा। यूपी में जीके में मुख्यालय वगैरह आ रहे हैं? किसी भी मुख्यालय या कोई राजधानी वगैरह? नहीं, एक भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। तो ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग एग्जाम का लेवल सही है? इस मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट। हाँ, ये क्वेश्चन GS में वो उसका था FRC। FR मतलब भारतीय नागरिकों, वो भारतीय नागरिकों को नहीं है प्राप्त। वैसे क्वालिटी में से कितने आए थे? 10 क्वेश्चन होंगे लगभग। मूल विधि में? मूल विधि से होंगे 4-5 क्वेश्चन। यानी ओवरऑल मूल विधि और पॉलिटी में 15 क्वेश्चन लगभग। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।